पंजाब कांग्रेस की आगू प्रियंका गांधी चोन प्रचार लिए आज पंजाब पहुंचे। प्रियंका गांधी ने कोटकपुरा पहुंच के कांग्रेस पार्टी के खूब सोहले गाए। प्रियंका गांधी ने लोगों को सियासी पार्टियां की असलियत पहचानने की नसीहत भी दी। विरोधी पार्टियां ते बोलदिया उन्होंने कहा है तुसी भाजपा नूं चंगी तरह पछाणदे हो जिन्होंने तुहाडी एक नहीं सुनी। उन्होंने आम आदमी पार्टी बारे बोलदिया भी कहा है कि आप पार्टी RSS तो उभरी हुई है। प्रियंका गांधी ने सरकार बदलन का कारण दसदिया कहा कि 5 साल साडी सरकार रही ते साडी सरकार विच कई खामियां भी सन। ओ सरकार पंजाब विच चलनी बंद हो गई ते दिल्ली तो साडी सरकार चलन लगी सी, पर दिल्ली तो सरकार कांग्रेस नहीं भाजपा चला रही थी। छुपी हुई सांझ सामने आने तो बाद सानू वो सरकार बदलनी पई। असी जान गए सी कि कुछ गलत हो रहा है जिसनू बदलन की लोड़ है। उन्होंने कहा कि इस नवी राजनीति में तुहानू तुहाडे वर्गे शख्स चरणजीत सिंह चन्नी मिले जो तुहाडे वांग ही ने। वो समझते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब तो ही चलनी चाहिए है। उन्होंने कुछ दिनों में ही तुहाडे लिए बहुत कुछ करके दिखा दिता है। प्रियंका गांधी ने इस मौके लोगों के नाल कई वादे भी किए। पहला फैसला ये करना चाहते हैं कि 1 लाख रोजगार बनाए जाएं, महिलाओं को प्रति माह 1100 रुपए दिए जाएं ताकि उनका कुछ सपोर्ट हो, जो गृहस्थ महिलाएं उनको, जरूरतमंद परिवारों को हर साल फ्री में 1 गैस का सिलेंडर नहीं लेकिन 8 गैस के सिलेंडर देना चाहते हैं। सरकारी अस्पताल में 20 लाख तक मुफ्त इलाज करवाएंगे। राज्य रोजगार योजना के तहत पंजाब में के सभी निवासियों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी की बहनों को 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों की लड़कियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने लोगों को कांग्रेस पार्टी को एक और मौका देने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।